आई रियली लाइक पाकिस्तानी ड्रेसेस, फ्लेयर्ड प्लाजो विद लॉन्ग स्ट्रीट शर्ट, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, और ईद के लिए भी मुझे कुछ ऐसा ही आउटफिट बनाना है जो कि बहुत कंफर्टेबल हो और दिखने में थोड़ा फेस्टिविटी की तरफ जाए। सो आपको आज मैं लेकर जाऊंगी मार्केट में, और इस ड्रेस की तमाम डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करूंगी कम बजट के अंदर रहते हुए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबका रमज़ान भी बहुत अच्छे से जा रहा होगा। इस वक्त मैं कमर्शियल मार्केट से गुजरते हुए राबी सेंटर आप लोगों को लेकर जा रही हूँ। आज मैं आपको राबी सेंटर लेकर जाऊंगी जी शहबाज फैब्रिक्स पर। इससे पहले मैं काफ़ी दफ़ा उन शॉप्स का जिक्र कर चुकी हूँ जिन शॉप से मैं कपड़े रेगुलरली लेती हूँ। ये एक ऑथेंटिक शॉप है जहाँ से आप लॉन के प्रिंटेड फैब्रिक ले सकते हैं। मेरे पास एक बहुत टाइम से रेड कलर की शर्ट पड़ी हुई थी, वो मेरे किसी इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, लेकिन आजकल जो है वो लॉन्ग फ्लेयर्ड प्लाजो चल रहे हैं और उनके साथ लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं। सो आई रियली थॉट कि मैं उसके साथ एक ट्राउज़र का कपड़ा ले लेती हूँ और शर्ट जो है उसको मैं कस्टमाइज़ करा लूँगी। तो आपको आगे तमाम डिटेल्स दिखाऊँगी कि मैंने इसको किस तरह से डिज़ाइन करवाया। अभी आप इनके पास जो लॉन की और जो ऑर्गेन्जा की कलेक्शन पड़ी है आप वो इनकी शॉप पे देख सकते हैं, और अगर आप लोग ऑनलाइन डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो आप लोग वो भी करवा सकते हैं घर बैठ के। अभी चूँकि समर्स का स्टार्ट है तो साथ साथ प्रिंट्स आते जाते हैं और साथ साथ ही निकलते जाते हैं। आप लोगों के साथ मैंने ईद सीरीज़ अपनी स्टार्ट कर दी हुई है। अब इंशाल्लाह ताला आगे जितनी भी वीडियोस आएंगी वो तमाम ईद सीरीज़ से रिलेटेड आती जाएंगी, जिसमें आप लोगों के साथ मैं फेस्टिविटी के कपड़े शेयर करूँगी जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंड में और रीज़नेबल प्राइस में होंगे। अभी मुझे इनकी शॉप के ऊपर एक ये वाला फैब्रिक बहुत पसंद था, इसको पेपर सिल्क लॉन बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेन्जा पे भी बना हुआ है, मतलब इसमें दो तरह के फैब्रिक आए हैं, एक ऑर्गेन्जा में है और एक जो है वो पेपर लॉन सिल्क है। ये वाला जो फैब्रिक है ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो अगर आप लोगों को इस तरह का भी फैब्रिक चाहिए हो तो वो भी आपको इनकी शॉप से मिल जाएगा। शॉप की जितनी भी डिटेल्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन में हैं, तो अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। ये कितने का? ये भी इतने का ही? नहीं नहीं, ये चीज है 25 का दुपट्टा ये वाला। अच्छा, ये दुपट्टा है 1250 पर यार है। दुपट्टा बनाओ, शर्ट बनाओ, चुन्नी बना दो आप, ठीक है, ये वाला। सो ट्राउज़र का फैब्रिक मैंने ले लिया था, ठीक है, 1000 रुपये का मुझे ट्राउज़र का फैब्रिक मिला था। और उसके बाद मैं कमर्शियल मार्केट में चनार फैब्रिक्स पर आई हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से खाड़ी नेट का या कॉटन नेट का दुपट्टा चाहिए। वैसे तो चाइना सेंटर या राबी सेंटर से आपको खाड़ी नेट और कॉटन नेट के दुपट्टे ईजीली मिल जाते हैं, लेकिन मुझे डाई भी करवाना है। मैं यूजअली अपने तमाम डाई जो है वो चनार फैब्रिक से ही करवाती हूँ। इनका जो डाई होता है वो बहुत अच्छा होता है और बहुत पक्का ये डाई करवा के देते हैं। मुझे ये वाला पैटर्न दुपट्टे में बहुत ज़्यादा पसंद आया था कोऑर्डिनेट का, तो मैंने फिर यही वाला पैटर्न जो था वो अपना डन कर लिया और इन्हीं से मैंने डाई करवा लिया था। अब डाई होके दुपट्टा मेरा आ गया था तो मैंने इसको पीको करवाना था, ठीक है। दो तरह की पीको होती है, एक जो पाइपिंग बनती है वो आप कपड़ा देते हैं वो खुद से बना के लगाते हैं, और एक रेडी टू वेयर पाइपिंग मिलती है। तो मैंने रेडी टू वेयर पाइपिंग लगवाई है रेड कलर की, और शर्ट के ऊपर जो है वो ये छटा लगकर इन अंकल ने मुझे शर्ट दे दी थी छटा लगकर, ठीक है। मैं यहाँ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये मैंने हाथ का छटा लगवाया है जो कि अड्डे के ऊपर काम होता है ना का, वो करवाया। इस पे मैंने कोई ग्लू या कोई गम से नहीं पेस्टिंग करवाई। अब मुझे लेसेस लेनी थी तो इनके साथ ही अली मेहंदी पॉलर जो चनार फैब्रिक है उनके बिल्कुल साथ ही इमरान लेस वाले हैं, मैंने वहीं से लेसेस ले ली थी। वैसे इन्होंने मुझे दो तरह की लेसेस दिखाई थी, लेकिन मुझे ज़्यादा जो थी वो यही इंडियन लेस जिसको बोलते हैं ये मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो फिर मैंने ये वाली लेस डन कर ली। अच्छा, यहाँ पे मैंने तो दो डिफरेंट कलर की लेसेस ली हैं। शर्ट के लिए जो मैंने लेसेस ली थी वो थोड़ी सी चौड़ी वाली ली, और जो मैंने प्लाजो पे लगानी थी प्लाजो के पांचे पे वो मैंने ली थी बारीक वाली, ठीक है। ये जो मेरे हाथ में है ये वाली मैंने प्लाजो के लिए ली, और चौड़ी वाली जो लेस थी वो मैंने ली थी जी शर्ट के लिए जो कि मैंने फ्रंट और बैक पे लगवानी थी। दुपट्टे को पीको करवाने के बाद मुझे इसके ऊपर टैसल्स भी लगवाने हैं क्योंकि टैसल्स के साथ दुपट्टे की एक बहुत ही खूबसूरती आ जाती है, तो शान जरी से मैंने टैसल्स भी बनवा लिए थे, ठीक है। उसके बाद अपनी लेसेस और कपड़ा लेकर मैं आ गई थी टेलर के पास। यहाँ पे मैंने टेलर को जब स्टिचिंग के लिए दिया था
तो उन्होंने मुझे कहा कि ये दो तरह से ट्राउज़र बनेगा, एक ट्राउज़र जो बनता है वो कलियाँ डाल के बनता है, उसमें कपड़ा ज़्यादा यूज़ होता है, और एक ये मुझे बता रहे थे कि आपने अगर नॉर्मल बनवाना है तो फिर हम अम्ब्रेला कटिंग करके इसको बनाएंगे, उसमें भी फॉल अच्छी आ जाती है। अभी मैं आगे चल के बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से स्टिच करवाया है, ठीक है। तो यहाँ पर टेलर को देने के बाद मुझे यहाँ से ड्रेस हो गया रिसीव। सबसे पहले आप शर्ट देख लें, जो शर्ट का फैब्रिक है वो पाकिस्तानी रॉ सिल्क मेरे पास पड़ा हुआ था घर में, छटा मैंने इसका हाथ से करवाया, जो अड्डे के ऊपर लग के होता है वो करवाया, ठीक है। और फ्रंट और बैक पे लेस लगवाई है, सिंगल लेस लगवाई है, स्लीव्स पे डबल करके लेस लगवा ली है, स्लीव्स पे छोटी वाली लेस लगवाई है और दामन पे चौड़ी वाली जो लेस होती है मैंने वही लगवा ली है, ठीक है। और जो साइड स्लिट्स थे शर्ट के उनके ऊपर मैंने गोल्डन कलर की पाइपिंग करवा के हेमिंग करवाई है। आपको बैक से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये छटा कितनी नीटनेस दे रहा है, इस वजह से इसके ऊपर इतनी नीटनेस है क्योंकि ये अड्डे के ऊपर हाथ से लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप किसी ग्लू या गम से लगवाएंगे ना उसमें उतनी ज़्यादा नफासत या नीटनेस नहीं आती। यहाँ पे ये फुल कंप्लीट सेट आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस ड्रेस को किस तरह से एक्सेसराइज करूँगी। ईद के ऊपर ये बहुत प्यारा लगेगा पहना हुआ क्योंकि बहुत कंफर्टेबल और बहुत ट्रेंडी, और फेस्टिविटी के लिहाज से आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डिज़ाइन। यहाँ पे मैं आपको फुल लुक दिखा रही हूँ, करीब से हर चीज़ की डिटेलिंग आपको दिखा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये डिज़ाइन आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर बनवा सकते हैं, किसी भी कलर के ऊपर बनवा सकते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ी ट्राउज़र की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आप ट्राउज़र की बेल्ट देख लें, जैसे लहंगे के ऊपर बेल्ट बनती है ना जब यूजुअली हम लहंगा बनवाते हैं, तो मैंने उस तरह क्या इसकी बेल्ट बनवाई और फ्रंट सिप बनवाई है, ठीक है। और हुक्स लगवाए हैं कि आपको जितना ऊपर से टाइट करना हो तो आप हुक्स से इसको टाइट कर लें, और ज़िप है इसकी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको इस तरह का ट्राउज़र या प्लाजो बनवाना है तो आप अपने टेलर से इस तरह का बनवा सकते हैं, इससे एक बहुत अच्छी फॉल आती है। यूजुअली इस तरह के ट्राउज़र्स ना ब्रांड्स में मिलते हैं, तो मुझे इस तरह के ट्राउज़र्स आजकल बड़े अच्छे लग रहे हैं, इससे एक बड़ी अच्छी लुक आ जाती है। अब ये जो मेरा ट्राउज़र है ये मैंने अम्ब्रेला कटिंग में बनवाया है, और जो इसका पांचा देख रहे हैं ना, ये मैंने टेलर को बोला था कि जितना कपड़े का अर्ज है आपने उतना ही पांचा रखना है। मतलब मैंने उसको कोई पांचे की मेजरमेंट्स नहीं दी थी, मतलब जितना कपड़ा था ना मैंने उसे बोला उतना इसको खुला आपने रखना है, ठीक है। अब ये आपकी च्वाइस है कि अगर आप इतना खुला पहनते हैं तो कपड़े के अर्ज के मुताबिक बनवा लें, अगर आपको इससे कम रखना है तो आप इससे कम इंचेस भी रखवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने पूरा ये कपड़ा इसमें यूटिलाइज़ किया है, एक ट्राउज़र का कपड़ा लगा है इस पर, ठीक है। और यहाँ पे आप दुपट्टा देख सकते हैं कि दुपट्टे के ऊपर मैंने पाइपिंग करवाई है, ठीक है, जिसको एजिंग बोलते हैं। एक बड़ी अच्छी सी सटल सी लुक आ गई है। कलर कंट्रास्ट इसका मैंने डिफरेंट किया है कि रेड कलर की शर्ट है, प्रिंटेड ट्राउज़र है, और दुपट्टे के साइड पर टीसल्स हैं, तो एक परफेक्ट फेस्टिव लुक आ गई है इसकी, ठीक है। और खाड़ी नेट का दुपट्टा है, लॉन का ट्राउज़र है, और पाकिस्तानी रॉ सिल्क की जो है वो ये शर्ट है। और मेजरमेंट्स मेरी मीडियम होती हैं, ठीक है। शर्ट की लेंथ जो थी वो मेरी ऑलमोस्ट 46 थी, ट्राउज़र की जो लेंथ थी वो 39 थी, और गोल गला और बैक से मैंने जो है वो हुक रखवाया था। अभी मैं आपको इसको पहनकर भी दिखाती हूँ, आपको बड़े अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि इसकी किस तरह की एक लुक आ रही है। यूजुअली होता ये है कि हम लोग बहुत फैंसी कपड़े बनवा लेते हैं, फिर वो कपड़े बाद में हमारी अलमारियों की जीनत बन जाते हैं। मैं हमेशा यही बात कहना चाहूँगी कि हमेशा कपड़ों को हमें बनाना, मतलब कम बजट में रह के हमें कपड़े बनाने चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूटिलाइज़ भी कर सकें, और वो अलमारी में पड़े हुए हमें दुखें भी ना, क्योंकि बहुत महंगे कपड़े बनाने के बाद फिर दिल भी नहीं करता कि इंसान किसी को दे या इंसान उसका कुछ और कर सके। मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी मेकअप वीडियो रिकॉर्ड की है फॉर ईद। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको ये ड्रेस कैसा लगा, और वीडियो आप देखना चाहते हैं मेकअप की तो मुझे ज़रूर कॉमेंट्स में बताइएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।